एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार शनिवार को नागपुर पहुंचे हैं। उन्होंने एयरपोर्ट से वे सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात भी की। इस बीच दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत भी चली। बैठक में प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, ऐसी जानकारी दी गई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पुणे में वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के नागपुर उपकेंद्र के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने नागपुर पहुंचे हैं। इस मौके पर शरद पवार नितिन गडकरी से मिलने उनके नागपुर स्थित आवास पर पहुंचे। इससे पहले गडकरी और शरद पवार की मुलाकात दिल्ली में और कुछ दिन पहले पुणे में भी हुई थी। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में गर्मा गर्म की चर्चा हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस दौरे के पीछे कोई राजनीति नहीं है, लेकिन महाविकास अघाड़ी और शिंदे सरकार के बीच चल रहे घटनाक्रम की चर्चा फिलहाल राजनीतिक हलकों में हो रही है। पिछले डेढ़ महीने में नागपुर में शरद पवार और नितिन गडकरी के बीच यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 12 फरवरी को शरद पवार नागपुर और वर्धा के दौरे पर थे। उस वक्त भी शरद पवार और नितिन गडकरी वापस लौटते वक्त एयरपोर्ट पर मिले थे। दोनों नेताओं के बीच करीबन 40 मिनट तक चर्चा भी हुई थी। एनबीसी न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।